अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ सोतीगंज में आज सुबह एक महिला की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। मायके का आरोप है कि जहरीला पदार्थ देकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। इसे लेकर मायके वालों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 16 साल पहले नाजिया परवीन का इमरान से निकाह हुआ था, दोनों के बच्चे भी हैं। आज सुबह नाजिया के मुंह से झाग निकलते पाए गए। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। ये महिला की शादी लगभग 16 वर्ष पूर्व हुई थी और अपने ससुराल में थी, बच्चे भी थे इनके साथ में। इनकी असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होना बताया गया है। इनके जो मायके वाले हैं उन लोगों का आरोप, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनको इनके साथ में जो है घटना घटित करके इनकी मृत्यु की गई है। इस बारे में गहन छानबीन की जा रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में जो मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा उसके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।